आज जो मैं बात बताने जा रहा हूँ वो ओनली आर्मी वालों के लिए नहीं है, ये सभी के लिए, जितने भी इंडियंस हैं उनके लिए ये बात काम की है। और ये शायद आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी होने वाला है क्या, ऐसा भी हो सकता है क्या। जी हाँ दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, मैं आर्मी रिटायर्ड शिवरतन सिंह, लक्की डिफेंस अकेडमी का फिजिकल इंस्ट्रक्टर और डायरेक्टर। तो आज मैं आज आपको ऐसा एक पॉइंट बताऊंगा कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा, और ये 1-1.5 साल लगेगा, और 2024 के बाद देख लेना आप लोग कि ये जो मैं आज बोल रहा हूँ, आज दिसंबर 2022 है, आज बोल रहा हूँ 2024 के बाद ये होने वाला है। जी हाँ, और दूसरा, इसको मेरे को जो मैं कोई बात बोलता हूँ तो इसको मेरे को राजनीति से मत जोड़ा करूँ। मैं बता देता हूँ कि फौजी बंदा मैं रिटायर्ड हूँ, और जितने भी ऑन ड्यूटी हैं रिटायर्ड फौजी है, कोई राजनीति से हमारा तल्ला मल्ला नहीं रहता। कुछ बंदे, एक बंदे ने कमेंट्स किया था सर आप बीजेपी के चमचे हो वगैरह वगैरह, मैंने उसको वापस जवाब दे दिया। तो बेटा, हम फौजी बंदा किसी का चमचा नहीं होता, हम देश के लिए मरते हैं और देश के लिए मरते रहेंगे। तो ये चमचागिरी वाला आपकी सोच आपके पास ही रखें बेटा, ये ज़्यादा कमेंट्स करने की आपको जरूरत नहीं है। इतनी छोटी सोच वाले, ये सोच आपके पास ही अपने घर तक ही सीमित रखें, इसको बाहर मत ले जाए, क्यों, आपकी सोच बहुत तुच्छ, छोटी सी आपकी सोच है। तो चलो, अभी मैं आप जो बात करें, खासकर अभी आपको पता है कि इंडियन आर्मी, बात इंडियन आर्मी की, लेकिन इसका सिविल सर्विसेज भी फर्क पड़ेगा, जो आज मैं बताने वाला हूं कि अभी क्या होने वाला है। अभी आपको पता है अग्निवीर के तहत भर्तियां हो रही है, और फर्स्ट बैच अभी जनवरी में, मतलब दिसंबर में रिपोर्ट कर देगा, और जनवरी से उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, और जुलाई महीने तक वो रेजिमेंटों में रिपोर्ट कर देंगे, मतलब 6 से 7 महीने के अंदर। आपको पता है ट्रेनिंग एरिया हमारा कम कर दिया है, इसमें भर्तियां भी 6-6 महीने में आएगी। दूसरा इसी में है कि पहले हमारा 1 साल तक जो ट्रेनिंग पीरियड, 6 महीना बेसिक, 6 महीना एडवांस हमारी ट्रेनिंग होती थी, मतलब 6 महीना बेसिक होगी, उसके बाद में 28 दिन की रिक्रूट लीव होती थी, फिर हमारे को 6 से 7 महीना, जो भी 5-6 महीना अलग अलग ट्रेड के अलग अलग वीक वाइज ट्रेनिंग होती है, तो मतलब साल भर हमारे को सेंटर में लग जाता था, तो साल भर के बाद ही भर्ती आती थी। अभी 6 महीना ट्रेनिंग कर दिए तो भर्तियां भी तो 6 महीने बाद आएगी। दूसरा, अभी जो ये अग्निवीर वाला कर दिया कि भाई आपको 4 साल के लिए रखा जाएगा, उसके बाद आपको 25-75 का भी रेशियो, और इसके ऊपर एक मैंने वीडियो बनाया, आने वाले टाइम में 50-50 का भी हो जाएगा, और हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। टेंशन लोगे तो उसका कोई इलाज भी नहीं है, ना मेरे पास है, ना मोदी के पास है, ना तुम्हारे मां बाप के पास है, इसका ज्यादा टेंशन लोगे तो बिना फालतू बेटा टेंशन भी नहीं लेना है। अग्निवीर के तहत जो भी भर्तियां हो रही है, ओके, इसमें 50-50 का मैंने बता दिया, आने वाले टाइम में हो जाएगा। आज जो मैं बात कर रहा हूं, खासकर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और जो फौजी बंदे जो अग्निवीर में जा रहे हैं उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। इसके अलावा ये जो सिविल सर्विसेज में, जो सिविल में जैसे कोई बैंक में लग गया, कोई पटवारी लग गया, ग्राम सेवक लग गया, पुलिस में लग गया वगैरह वगैरह, हजारों मतलब वैकेंसियां आती रहती है हमारे सिविल के अंदर भी, तो उसके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ने वाला है। जी हाँ दोस्तों, पहले भी मैंने बता दिया कि जो भी अग्निवीर के तहत रिटायरमेंट होगा या 4 साल के बाद जो आएगा, उसको आर्मी की तरफ से एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, हाँ भाई ये अग्निवीर है, इसको इस चीज़ में फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए, जो भी आप जिसमें भी जाओगे उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी। तो आज मैं बताने वाला हूँ, इसके ऊपर भी आप कान खोल के सुन लीजिए कि अभी आने वाले टाइम में, मतलब अभी हो सकता है 2024 के बाद में जैसे चुनाव होंगे केंद्र सरकार के, उसके बाद क्या होने वाला है, आज ही मैं बता रहा हूँ, और ये होगा, होके रहेगा कि सिविल के अंदर जितने भी, खासकर सिविल सर्विसेज में जो जाएंगे, उनको अग्निवीर के तहत होके ही जाना पड़ेगा। अग्निवीर आप हो तो आपको सिविल सर्विसेज में उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। अब इसका रीजन क्या है कि आपको ये पता है कि भाई 4 साल तक यदि कोई बंदा फौज के अंदर रहा है तो उसको एक डिसिप्लिन में आ जाता है, उसको हथियार वगैरह चलाने आ जाते हैं, और एक ईमानदार हो जाता है। 2-3 चीज़ें उसके अंदर 4 साल में सीख जाएगा, तो उसके अंदर डिसिप्लिन कूट कूट के भर दिया जाएगा उसके अंदर, उसके बाद में उसका चाल चलन, और तीसरी उसमें आती है कि एक ईमानदारी, मतलब ईमानदारी वगैरह ये काफ़ी कुछ हो जाता है। तो ये गवर्नमेंट ये एक चार ही है कि आने वाले टाइम में पूरे इंडिया में एक ईमानदारी के साथ बंदे रहे, और अपनी पूरी निष्ठा के साथ जो भी ड्यूटी मिले या जो भी कार्य मिले पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ वो काम करें। अब उसमें पुलिस महकमा है, उसमें भी अभी पता है जो 4 साल के बाद आएंगे पुलिस महकमे में भी ये बंदे जाएंगे, या कोई आप बैंक कर्मचारी है या पोस्ट ऑफिस में है या कोई भी ऐसा महकमा, उसमें इनको वैकेंसियाँ मिलती रहेगी। तो ये एक जो न्यूज़ मैं बता रहा था खासकर कि आने वाले टाइम में ये होने वाला है कि आपको अग्निवीर के तहत उसमें साल रखे, 2 साल रखे, वो आने वाले टाइम में करेंगे, उसका कोई नहीं बता सकता। लेकिन जो भी बंदा नौकरी लगेगा या सिविल में कोई भी आपको कहीं जॉब लेना है, पहले अग्निवीर के अंदर जाओ, अग्निवीर में 1-2 साल का आप अपनी सेवा दीजिए, उसके बाद आपको दूसरी जगह मतलब सिविल में आपको मौका मिलेगा। तो उसमें फौजी हथियार भी चलाना सीख जाएगा, डिसिप्लिन भी सीख जाएगा, फौज के बारे में नॉलेज भी हो जाएगा, और ये फिर यहाँ आके जब वापस फौज से यहाँ आएगा तो ये चीज़ें यहाँ बच्चों को भी सिखाएगा, और वो अंदर उस बच्चे उसके अंदर एक डिसिप्लिन और एक ईमानदारी वाला पूरी बात उसके अंदर रहेगी, मतलब एज एक सोल्जर की तरह वो काम करेगा। तो ये होने वाला है, इसके ऊपर चाहे मैंने आज ये नोट कर लेना, 2024 में देख लेना आप लोग कहीं बदलाव होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ जो चीज़ें बताता हूँ वो हकीकत
होती है जो आज तक मैंने बताया उसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन हुआ ही है और ये चीज़ होने वाली है। तो ये आज का वीडियो शायद आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना। जिस भाई ने अभी तक मेरे चैनल लकी डिफेंस अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, और भी अच्छे अच्छे आपको नॉलेज मिलता रहेगा। आपका दोस्त शिवरतन सिंह। जय हिंद, जय भारत।